तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में। और ये है फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 35। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस फिल्मी टॉक का अनदर एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आने वाली कन्नड़ा पेन इंडिया फिल्म कब्जा के ट्रेलर रिलीज से। तो फ्रेंड्स, कब्जा का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा 3 मार्च को। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 मार्च को कब्जा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा। अभी इस बात की ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन फ्रेंड्स आने वाले दिनों में ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो 3 मार्च को देखने को मिलेगा और मूवी को रिलीज किया जाएगा 17 मार्च 2023 में पेन इंडिया लेवल पर। साल 2022 की तमिल लैंग्वेज की एडवेंचर ड्रामा फिल्म सेम्बी। अब ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाने वाली है, जहां पर इस मूवी का तमिल और तेलुगु वर्जन 3 फरवरी से और हिंदी डब्ड वर्जन 10 फरवरी से स्ट्रीम किया जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और इस मूवी का हिंदी ट्रेलर भी आउट हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के यूट्यूब चैनल पर। सुधीर बाबू की रिसेंटली रिलीज करवाई गई एक्शन थ्रिलर फिल्म हंटेड। अब इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर देखने को मिलने वाला है, जहां पर इस मूवी को 10 फरवरी से प्राइम वीडियो पर रिलीज जाएगा तेलुगु भाषा में। चयन विक्रम, ऐश्वर्य राय बच्चन, कार्ती और जयम रवि की आने वाली फिल्म में PS2 यानी कि पोनियन सेल्वन पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, पोनियन सेल्वन पार्ट 2 मूवी को IMAX थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा 28 अप्रैल से 2023 में, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। धनंजय की आने वाली कन्नड़ा फिल्म होयसाला, इस मूवी की डबिंग का काम अब शुरू करवा दिया गया है। नानी की आने वाली नेक्स्ट फिल्म यानी कि नानी 30, इस मूवी के शूट को शुरू करवा दिया गया है 1 फरवरी से, यानी कि आज से इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट करवा दिया गया है। अखिल अकिनेनी की न्यू फिल्म जिसको प्रोड्यूस करेगी यूवी क्रिएशंस और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे कोई न्यू डेब्यूटेंट डायरेक्टर और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थलापति 67 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, थलापति 67 टीम अपने थर्ड शेड्यूल की शूटिंग के लिए एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से श्रीनगर को निकल चुकी है कल के दिन यानी 31 जनवरी को। और इस नए शेड्यूल की शूटिंग को 1 फरवरी से यानी आज से शुरू किया जाएगा। टीम के साथ थलापति विजय, प्रिया आनंद और त्रिशा कृष्णन भी गए हुए हैं। थलापति 67 अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी, जहां पर 7 स्क्रीन स्टूडियोज ने थलापति 67 ऑफिशियल अनाउंसमेंट पोस्टर शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया है कि थलापति विजय की आने वाली फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर लोकेश कनगराज और प्रोड्यूस कर रहे हैं SS ललित कुमार और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है 7 स्क्रीन स्टूडियोज। और फ्रेंड्स, फिल्म की कास्टिंग भी अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी, जहां पर इस फिल्म के लिए थलापति विजय के साथ साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा कृष्णन, प्रिया आनंद, मिस्किन, मंसूर अली खान, मत्थे थॉमस जैसे एक्टर्स को कास्ट किया गया है। बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त ध्रुव सरजा की आने वाली पेन इंडिया फिल्म केडी द डेविल के अंदर भी देखने को मिलेंगे एज ए विलन। और फ्रेंड्स, हम सभी लोग तो रोकी भाई की माँ यानी कि अर्चना जोशी को तो जानते ही हैं, तो अब अर्चना जोशी शिवराज कुमार की आने वाली पेन इंडिया फिल्म घोस्ट में दिखाई देने वाली है। सूर्या शिव कुमार की आने वाली फिल्म सूर्या 42 इस मूवी की 50% की शूटिंग को कम्प्लीट कर लिया है एनर्जेटिक स्टार रामपोथी ने। और डायरेक्टर बोयापति श्रीनु की आने वाली अनटाइटल्ड पेन इंडिया फिल्म बोयापति रापो अब अपडेट आई है कि इस फिल्म के अंदर रामपोथी ने के अपोजिट एक्टर प्रिंस सेसिल देखने को मिलेंगे एज ए विलन। और डायरेक्टर बोयापति ने प्रिंस को एक अलग ही कैरेक्टर में उतारने की कोशिश की है। अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, आने वाले दिनों में इस पर ऑफिशियली अपडेट देखने को मिलेगी। प्रिंस सेसिल उस्ताद रामपोथी नेनी के साथ साल 2016 में आई तेलुगु फिल्म नेनू सेल्जा में भी देखने को मिल चुके हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बॉलीवुड अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कार्तिक आर्यन की आने वाली हिंदी रीमेक फिल्म शहजादा, अब ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है क्योंकि अब फिल्म पठान शुरुआत से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो शहजादा मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना फिल्म पठान को थोड़ा वक्त और दे दिया जाए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने के लिए, तो इसलिए शहजादा मेकर्स ने अपनी फिल्म को 1 हफ्ते आगे पोस्टपोन किया है। जी हां फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं शहजादा मूवी 17 फरवरी से देखने को मिलेगी ना कि 10 फरवरी से। गुमराह की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। गुमराह अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली मूवी है। इसके स्टार कास्ट में हम सभी को देखने को मिलेंगे आदित्य रॉय कपूर और साथ में मृणाल ठाकुर। और फ्रेंड्स, गुमराह को रिलीज किया जाएगा 7 अप्रैल से सिनेमाघरों में और इस मूवी के अंदर आदित्य रॉय कपूर डबल रोल देखने को मिलेंगे। और गुमराह मूवी ऑफिशियल हिंदी रीमेक है साल 2019 में आई तमिल लैंग्वेज की एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म में थड़म का, जिसके अंदर देखने को मिले थे अरुण विजय और साथ में तान्या होप। अच्छा तो फ्रेंड्स, यही थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कंफर्म अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। और फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।